हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3ds मैक्स में एक्टिव शेड का यूज सीखेंगे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमने अपने व्यूपोर्ट में एक रूम क्रिएट किया है जिसमें दो ग्लासेस रखे हैं, टेबल है, कर्टन्स है और वॉल क्रिएट करके विंडो पे ग्लास इफेक्ट दिखाया है। इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसका रेंडर देखना चाहते हैं तो हम अपना परस्पेक्टिव व्यू सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर रेंडर प्रोडक्शन पे आकर क्लिक करके यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके इसका रेंडर देख सकते हैं। तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें इसका रेंडर कंटिन्यू कर देगा वो, क्योंकि फाइल बहुत हैवी है इसलिए वो रेंडर कंटिन्यू करा रहा है हमसे। तो इस तरीके से हम इसका रेंडर का इफेक्ट देख सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम अपने रेंडर का इफेक्ट डायरेक्ट व्यूपोर्ट में देखें, तो उसके लिए हम रेंडर विंडो को क्लोज कर रहे हैं और जहां पर ये कैमरा आ रहा है, जो हमारा व्यू है, अगर हम इस पर लेफ्ट क्लिक करें तो हम देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन एक्टिव शेड का आ रहा है। हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, अब हम देख सकते हैं कि एक्टिव शेडर ऑन करने के बाद हम अपना रेंडर का आउटपुट डायरेक्ट यहीं पर देख पा रहे हैं। इट मींस कि जो भी हमारा आउटपुट है हमें यहीं पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका मटेरियल एडिटर ओपन करें तो वो हमें यहाँ पे सारे मटेरियल दिखाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मटेरियल चेंज करना, तो हम रेंडर की जगह डायरेक्ट इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो जैसे अब हम अपनी वॉल को सेलेक्ट करते हैं, हमने अपनी वॉल सेलेक्ट करी है, हम चाहते हैं वॉल पे ये वाला मटेरियल डालना, तो हम यहाँ से मटेरियल को असाइन करेंगे। मटेरियल को असाइन करने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, तो हम यहाँ देख सकते हैं अपने प्रस्पेक्टिव व्यू में कि वो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे इसका इफेक्ट दिखा रहा है। हमें रेंडर निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही हमारा इसका रेंडर यहीं पर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है। हम चाहते हैं टेबल का कलर चेंज करना, टेबल में कुछ और देना, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम टेबल में ये वाला दे दें या हम प्लेन इफेक्ट देना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। हम अपने फ्रंट व्यू से भी अपनी टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम मटेरियल असाइन करा देंगे इसको यहाँ से। तो असाइन मटेरियल करने के बाद तो हम देख सकते हैं कि उसने टेबल पे यही मटेरियल डाल दिया है। इट मीन्स कि हम जो भी चाहें मटेरियल में चेंजेस कर सकते हैं। हम कर्टन सेलेक्ट करके कर्टन में चेंजेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम अपने फ्रंट व्यू से जाकर कर्टन को सेलेक्ट करें और हम चाहते हैं कर्टन में कोई और टेक्सचर देना, तो हम यहाँ से कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट वाला मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे कर्टन में ये वाला मटेरियल असाइन हो जाए, तो यहाँ से असाइन मटेरियल कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक रेड लाइन दिखा रहा है, इट मींस वो प्रोसेस कर रहा है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उसने दोनों कर्टेंस का कलर इस कलर में कर दिया है। इट मींस कि हम डायरेक्ट विदाउट रेंडर निकाले डायरेक्टली यहाँ पर अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कोई भी फाइल क्रिएट करके हम अपने मटेरियल एडिटर को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से हम यहाँ पर रीसेट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ही हमें फाइल सेव करने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि हम सेव नहीं करना चाहते तो हम इसको नो कर देंगे, और हम क्योंकि रीसेट करना चाहते हैं इसलिए इसको यस कर देंगे। तो यस करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारी फाइल वापस से न्यू हो गई है। हम यहाँ एक स्फेयर ले रहे हैं और अपने व्यू पोर्ट में एक स्फेयर क्रिएट करते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक स्फेयर है। हम यहाँ परस्पेक्टिव व्यू में जाकर एक्टिव शेडर ऑन कर रहे हैं, जिससे हम देखेंगे कि स्क्रीन ब्लैक होके वो सिर्फ यहाँ पर हमें एक स्फेयर दिखा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में इस पर लाइट पड़ रही होगी। हम चाहते हैं इसका कलर चेंज करना, हम चाहते हैं इसमें कोई और टेक्सचर देना कि हमें रेंडर ना करना पड़े, डायरेक्ट वो अप्लाई हो, तो हम यहाँ पे मटेरियल एडिटर पे जाकर कोई सा भी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं इस मटेरियल में लेना, तो हम यहाँ पर डिफ्यूज पे डबल क्लिक करके कोई भी बिट मैप में जाकर कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। इट मींस कि अगर हम ये मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ से अपने स्फेयर को सेलेक्ट करेंगे अपने फ्रंट व्यू से और यहाँ पर असाइन कर देंगे। असाइन करते ही हम देखेंगे कि यहाँ से हमें रेड लाइन और फिर ग्रीन लाइन के साथ हमारे स्फेयर पे हमारा मटेरियल असाइन हो गया और हमें बिना रेंडर निकाले ही उसका आउटपुट भी मिल गया। अगर अब हम इसका रेंडर निकालें तो हम देख सकते हैं कि रेंडर भी हमारे पास सेम वैसे ही दिखाई देगा जैसे हमें अपना व्यू पोर्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम विदाउट रेंडर निकाले डायरेक्ट अपने व्यू पोर्ट में अपना रेंडर आउटपुट देख सकते हैं। थैंक यू।